दोस्तों आज हम आपके साथ बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के बारे में। बहुत ही अच्छी जानकारी है दोस्तों। अगर आप लोग इंडियन एयरफोर्स में एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप या बोथ एक्स और वाई इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अगर उसमें भर्ती होना चाहते हो एयरफोर्स में एक्स या वाई ग्रुप के तौर पर, तो उससे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर पता होना चाहिए कि जैसे ही आप लोग फॉर्म भरोगे उसके बाद आपका रिटर्न होगा, प्रैक्टिकल होगा, सॉरी फिजिकल होगा, एनरोलमेंट लिस्ट आएगी, उसके बाद ज्वाइनिंग होगी। तो ज्वाइनिंग के बाद जैसे ही आपको बेसिक ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है बेलगांव, तो वहाँ पर उस सेंटर की हिस्ट्री है दोस्तों, बहुत ही अच्छी हिस्ट्री है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जिसको ATS एयरफोर्स ट्रेनिंग सेंटर बोला, स्कूल बोला जाता है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी है। तो वीडियो को पूरा देखना है, जानकारी बहुत अच्छी लगेगी। बिना किसी रोक टोक के स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और कृपया करके वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि आप जानते हैं आर्मी ट्रे सॉरी एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल, एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल ATS शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, इसका इतिहास क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है? तो बेलगांव शब्द बहुत ही बड़ा है आपके लिए, अगर आप लोग चाहते हो इंडियन एयरफोर्स को एज अ एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के तहत ज्वाइन करना, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं सीधे नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों ये है एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल। दोस्तों एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल, इसकी हिस्ट्री बहुत ही मतलब लाजवाब है। इन्होंने बोला कि अ नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, ये एक नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर है एयरमैन के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर है अ नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर फॉर एयरमैन रिक्रूट वाज सेटअप एट लाहौर। ये दोस्तों सेटअप हुआ था लाहौर में सन 1943 में, लेकिन उसके बाद इसको शिफ्ट उसी साल सेम ईयर 1943 में शिफ्ट कर दिया गया हैदराबाद को, ठीक है? और इसका नाम कर दिया गया था नंबर वन ग्राउंड ट्रेनिंग स्कूल GTS, ठीक है? तो नंबर वन ग्राउंड ट्रेनिंग स्कूल इसको चेंज कर दिया था, किसको? नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर को। अब लेकिन उसके बाद स्कूल वाज शिफ्टेड टू जरहाली इन 1947। 1947 में क्या हुआ था, ये जरहाली में शिफ्ट कर दिया गया था। और उसके बाद मैंने बोला कि एयरफील्ड कैंप एट सामरा बेलगावी वाज इनिशली सेटअप बाई रॉयल एयरफोर्स इन 1942। तो 1942 में रॉयल एयरफोर्स के द्वारा बेलगांव में इनिशियली सेटअप किया गया था, ठीक है? आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी के बाद द कैंप एंड अदर एसेट वर टेकन ओवर बाई द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है? तो आज़ादी के बाद वो जितने भी एसेट थे वो सब सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंदर अधीन हो गए थे, ठीक है? तो वह नंबर वन ग्राउंड ट्रेनिंग स्कूल, तो जो GTS सेंटर था आपका, वाज रीलोकेटेड फ्रॉम जलहाली टू बेंगलोर, ठीक है? फ्रॉम जलहाली से बेंगलोर, बेंगलोर टू सामरा बेलगांव 1962, ठीक है? 1962 में मतलब फाइनली आपका बेलगांव में पहुँच गया। लेकिन द एसेट्स ऑफ द कैंप वर ट्रांसफर्ड टू द IAF इंडियन एयरफोर्स नंबर वन ग्राउंड ट्रेनिंग स्कूल, ठीक है? तो एसेट वगैरह जो वो GTS में सब पहुंच गए। लेकिन सन 1980 में इट वाज रीनेम्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसका नाम फिर चेंज कर दिया गया था ATI एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है? यहाँ तक वो बहुत सारे चेंज हुए इसमें दोस्तों। लेकिन ATI वाज शिफ्टेड टू एयरफोर्स स्टेशन ताम्बरम इन नवंबर। दोस्तों ये ताम्बरम आपका चेन्नई में है, जहाँ अभी भी आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है उसके बाद में बहुत सारे कैंडिडेट को मैकेनिकल वगैरह 2-3 ट्रेड होती है उसके लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है ताम्बरम में। मैं भी वहाँ पर जा चुका हूँ, मैंने देखा है ताम्बरम में आपकी ट्रेनिंग होती है। तो 2001 में ताम्बरम में ये फिर शिफ्ट कर दिया गया था, एंड उसका नेम चेंज करके एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल ATS कर दिया गया था, ठीक है? 5 दिसंबर 2001 को। उसके बाद फिर जो प्योरली डेडिकेटेड फॉर ज्वाइंट बेसिक फेस ट्रेनिंग फॉर ऑल एम्बिशन ट्रेनिंग ऑफ द एयरफोर्स, ठीक है? तो जो बेसिक जो आपकी फेस ट्रेनिंग होती है उसके लिए सभी को इसके लिए जाना पड़ता था। लेकिन देयर आफ्टर उसके बाद इफेक्ट फ्रॉम 20 अक्टूबर 2004 को ATS वाज नंबर्ड एज 405 एयरफोर्स स्टेशन बेलगांव। तो फाइनली ATS ट्रांसफर हो गया था 2004 को, 20 अक्टूबर 2004 को नंबर एज 405 एयरफोर्स स्टेशन बेलगांव, ठीक है दोस्तों? और इसमें और बोला कि लैक टेक्निकल ट्रेड द टेक्निकल नॉन टेक्निकल ट्रेड पर रीस्ट्रक्चर इन 2000 ऐसे करके फाइनल आपके ये होते गए होते गए। तो फाइनली आपका 20 अक्टूबर 2004 को बेलगांव में जो है स्थापित हो गया था, ऐसे करके इसकी पूरी जानकारी है। आप देखिए मेरे से कुछ गलती हो सकती है, ठीक है? तो वैसे गलती तो नहीं होनी चाहिए। फाइनली टोटल आपके सामने हिस्ट्री पड़ी हुई है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी और आराम से देख लेना, ठीक है? तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों को जो भी एयरफोर्स की ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हैं या भर्ती होना चाहते हैं, तो आपको ये सब जानकारी पता होना चाहिए, ठीक है? तो बेलगांव की हिस्ट्री पता चल गई होगी। तो वीडियो को एक बार समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आपसे हमारी प्यार भरी दिल से राम राम।